हैवरी वन गुड मॉनिंग गुड मार्निंग ऑल ऑफ यू वेलकम टू द डेली न्यूज़ पेपर एनालिसिस फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को संक्रांति बिहू पोंगल माघ बीहू बिहू पोंगल माघी सभी सभी जो भी फेस्टिवल जो भी जहाँ पर मना रहे हैं उस सबकी बहुत बहुत, बहुत शुभकामनाएँ एंड बधाइयाँ बी सेफ एन्जॉय द फेस्टिवल विथ योर फैमिली एंड फ्रेंड्स सो गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू एंड वेलकम बैक टू द डेली न्यूज़ पेपर एनालिसिस आज है चौदह जनवरी एज यू नो हम लोग मनाते हैं मकर संक्रांति स्पेशली नॉर्थ इंडिया द रिलिवेंस इज दैट

बट uh, अभी भी थोड़ा बहुत डब्ल्यू का uh, जो है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस उसका थोड़ा सा इन्फ्लुएंस रहेगा उसके साथ साथ अगर आप देखोगे टेक्निकली अगर आप देखोगे तो uh, जो इन्फ्लुएंस खत्म होता है विंटर्स का वो होता है आफ्टर योर uh, uh, जो हम अभी आ, आपके वो आएगी बसंत पंचमी का फेस्टिवल होता है उसके बाद सो so, बसंत पंचमी का फेस्टिवल आएगा उसके बाद टेक्निकली आप देखोगे थोड़ा वेदर में सडन शिफ्ट होता है तो अभी थोड़ा ये 28 जनवरी 29 जनवरी 29 जनवरी तक यू विल फाइंड दिस कोल्ड जैसा आज भी बहुत ठंड है इट्स काइंड ऑफ फॉगी आउटसाइड बट एनीवे नॉर्थ पोल पे सन कभी नहीं जाता सन जो है ट्रॉपिकल कैंसर तक ही जाता है नॉर्थ पोल की तरफ लाइट हाँ धीमे धीमे पहुंच रही है अब तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का एनालिसिस चौदह जनवरी है सो विशिंग यू ऑल अ वेरी वेरी हैप्पी संक्रांति माघ बिहू पोंगल लोहड़ी विच एवर प्लेस यू आर आई होप आप सब लोग अच्छे से इसको मना रहे हैं एंड कल लोहड़ी थी

तभी आप दूसरों का ध्यान रख पाओगे दूसरों की सिचुएशन समझ पाओगे और दूसरों को हेल्प कर पाओगे सो फर्स्ट हेल्प यू सर बिफोर हेल्पिंग अदर्स सो दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लर्निंग एंड टेक अवे दैट एवरीबडी शुड हैव कि अपने आप को प्रायोरिटी देना कोई गलत बात नहीं है जैसे अब आप, आपका एग्ज़ाम है अब आप आपसे दोस्त बोल रहे हैं चल घूमने चल पार्टी चल कोरोना में लॉकडाउन बहुत लगा था ठीक है हम लोग कुछ नहीं कर पा रहे हैं लॉकडाउन आ गया लॉकडाउन ख़त्म हो गया बाहर चल नहीं जाना भाई आपका एग्ज़ाम है सत्ताईस जून याद रखो प्रिलिम्स का एग्जाम है ट्वेंटी सेवन जून टाइम बचा कहाँ है आप टेक्निकली सो दे इज़ नॉट मच टाइम लेफ्ट सो प्रायोरिटाइज योर सेल्फ ठीक है चलिए तो दिस इज द क्यू आर कोड फॉर द प्रोफाइल यू कैन स्कैन इट टू गो थ्रू माई प्रोफाइल एंड गेट ऑल दी स्पेशल क्लासेज आज दो स्पेशल क्लासेज है कल ये एम सी क्यू वाली क्लास नहीं हो पाई बिकॉज दे आज सम इशू आई हैड सम थ्रोट पेन तो मैं कल नहीं ले पाया रात को एम सी क्यू की क्लास Uh, तो आज दो स्पेशल क्लासेस हैं आज एक नितिन सिंघानिया की पार्ट सिक्स है आर्ट एंड कल्चर तो ये ज़रूर अटेंड करिएगा उसके बाद रात को टेन थर्टी पे टेन पी एम इनफैक्ट आपकी एम सी क्यू क्लासेज तो टू स्पेशल क्लासेज टू नाइट एब्सोल्यूटली फ्री कोड आपको यूज़ करना है डीप टू सेवन टू एनरोल इन दिस क्लासेस ये दो क्लासेस जो है आपको एक अनलॉक कोड पूछेगा द अनलॉक कोड इज़ डीप टू सेवन ठीक है बाकी अगर आपने ये सब क्लासेस नहीं देखी इसराइल बुलिसीन मुद्दा या फिर या सऊदी अरेबिया और ईरान में जंग क्यों हो रही है तो उसके लिए आप ये सब देख सकते हैं ठीक है उसके अलावा ये जो है टेन आ, ये एम सी क्लास जो थी इट्स एट टेन पी एम टू नाइट दस बजे आज ठीक है फिर नए बैचेस स्टार्ट हो गए हैं ट्वेंटी ट्वेंटी टू ट्वेंटी थ्री के लिए तो ये आप ज्वाइन कर सकते हैं एटीन जनवरी से आ, आपके स्टार्ट हो रहे हैं कुछ बैचेस ग्यारह जनवरी से ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं कंप्पलीट यूपीएससी प्रिपरेशन के लिए फॉर टेकिंग सब्सक्रिप्शन यू कैन आईदर यूज द कोड डी फाइटी टेन या डीप टू सेवन कोई सा भी आप कोड यूज कर सकते हैं फॉर टेन परसेंट डिस्काउंट फॉर गेटिंग पर्सनलाइज गाइडेंस एंड मेंटोरशिप अंडर द प्रिपरेशन ठीक है और कॉम्बैट आने वाला है सत्रह जनवरी को इसमें भी अमेजिंग प्राइजेस हैं आप लोग के जीतने के लिए तो फटाफट इन रोल करें नीचे लिंक दिया हुआ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका राइट एंड डो नॉट फॉर्गेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड लेट स्टार्ट विद क्लास तो इन्वायरमेंट की क्लास का शेड्यूल संडे को है सो फर्स्ट क्लास इज ऑन सेवनटीन्थ तो आज के हिंदू न्यूज़ में आप देखेंगे तो पंजाब गवर्नमेंट का एक ऐडा है सो दिस इज बेसिकली ऑन दिस सीक्रेट ओकेजन ऑफ माघी जिसको हम बिहू पोंगल भी बोलते हैं पोंगल भी है माघ बिहू भी, भी है मकर संक्रांति भी है सब चीज़ें तो अलग अलग प्लेसेस में इसको हम अलग अलग तर, तरीके से मनाते हैं बट फ्रॉम द हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू ये जो uh, 40 मुक्ताज हैं इनको होमेज दिया जाता है मुगल्स ड्यूरिंग द इनको हम बोलते तो बैटल ऑफ खिदराना तो बैटल ऑफ खिदराना को कमोमरेट करने के लिए भी मनाया जाता है पंजाब में और वॉरियर्स को होमेज देने के लिए होता है तो <coughs> ये हम थोड़ा इसके बारे में समझते हैं कि क्या होता है सो मागी ओकेजन होता है जब कम, जो है कमोमरेट करते हैं सेक्रीफाइस ऑफ फोर्टी सिक्स विद गुरु गोविंद सिंह जी तो दिस इज अगेंस्ट द मुगल फोर्सेस तो ये बैटल जो हुई थी वहाँ पे अगर आप देखो कि इस तो खिदराने दी धाप करके एक पूल ऑफ वाटर है नियर टू तो प्लेस ऑन ट्वेंटी नाइन दिसंबर सेवनटीन जीरो फाइव को बैटल हुई थी एंड द बॉडीज क्रीमेटेड द फॉलोइंग डे द फर्स्ट ऑफ मार्ग इसलिए फेस्टिवल मनाया जाता तो अगली सो बेसिकली इस दिन उनकी बॉडी को क्रीमेट किया गया था एंड वो पहला मार्ग का पहला दिन था सो विच नाउ यूजअली फॉर्म ऑफ थर्टीन ऑफ जनवरी so following the customs of the Sikhs to observe their anniversary of happy and tragic events alike, Maagi celebrated with end to end recital of the Guru Granth Sahib uh, and religious divans in almost all Gurudwara. तो significance आप देखोगे the day of Maagi observed to honour the heroic fight of the चाली मुक्ते or the 40 liberated one, चालीस uh, warriors जो थे, जो अपनी who sacrificed their supreme lives defending the attack. Uh, बाई इन इम्पीरियल आर्मी मर्चिंग मार्चिंग इन परसूट ऑफ गुरु गोविंद सिंह जी तो ये खिदराने दी धाब के बाद हुआ हुआ था और ये जो बैटल इसको बैटल ऑफ खिदराना भी बोलते हैं इसलिए खिदरान दि धाब एक, एक पूल ऑफ वाटर था उसके पास ये लड़ाई हुई थी तो ये याद रखेगा फ्रॉम हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू ठीक है उसके अलावा सबरीमाला में मकार विलुकू फेस्टिवल जो है वो भी आपका चालू होने वाला है सो ओनली फाइव थाउजेंड डिवोटीज़ विल बी अलाउड अगेंस्ट द एवरेज ऑफ थी लैक बिकॉज ऑफ कोविड नाइनटीन रिस्ट्रिक्शन तो ये भी इसी टाइम पर होता है सबरीमला में बहुत फेमस द मोस्ट फेमस फेस्टिवल है मेन फेस्टिवल है मकार विल्कू जो आपका मकर संक्रांति के साइड कोइंसाइड करता है सो so, ये भी आपका स्टार्ट होने वाला है तो so, ये भी ध्यान रखिएगा ये अलग अलग फेस्टिवल है आर्ट एंड कल्चर में जो है इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है प्रिलिम्स में स्पेशली जी एस वन मेन्स पेपर का अगर आप देख लो तो कल्चरल सिग्निफिकेंस के ऊपर क्वेश्चन बहुत सारे आए सिक्सटी मार्क्स का आर्ट एंड कल्चर आया है इस बार आपके जी एस मेन्स पेपर में सो हैज अ वेरी हाई इंपॉर्टेंस एंड जनरली आदत होती है यूपीएससी की एक दो साल अगर आर्ट एंड कल्चर नहीं पूछते तो अगले साल भर भर के अगले साल उसके अगले साल दो तीन साल ले लो फिर आर्ट एंड कल्चर बहुत ज्यादा पूछते हैं सो जस्ट रिमेंबर दीज थिंग्स सो फर्स्ट आर्टिकल जो है दिस इज टॉकिंग अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ द थ्री फार्म लॉज अब फार्म लॉज पर इतनी ज्यादा बात हो चुकी है <clears throat> कि ऑनेस्टली स्पीकिंग हम लोग कहीं ना कहीं लगता है कि यार आज फिर आ गया फार्म बिल पर बट ये मैंने इसलिए लिया है क्योंकि ये आपका पॉलिटी रिविजन में हेल्प करेगा एंड दिस इज अ टॉपिक विच विल हेल्प इन जी एस टू एंड कुछ पार्लियामेंट के आर्टिकल्स हैं जो इसमें इंपॉर्टेंट हैं लिखे बिकॉज इट इज रिटन बाई अ फॉर्मर सेक्रेटरी जनरल ऑफ लोकसभा पी टी टी अचारी साहब ने लिखा है आर्टिकल एंड हीयर ही इज टॉकिंग अबाउट दी द वायलेशन ऑफ पॉसिबल आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कि कॉन्स्टिट्यूशन के कौन कौन से आर्टिकल्स वायलेट हो रहे हैं तो हम उस पर थोड़ा फोकस करेंगे एंड उसके अलावा आई वल ऑल्सो सम एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन कि जो हमारा सेवन शेड्यूल है ठीक है उसमें हमारे जो ये सब्जेक्ट्स डिवाइडेड हैं तो उसमें कंकरेंट लिस्ट और स्टेट लिस्ट का क्या इशू है रिगार्डिंग एग्रीकल्चर तो अगर आप लोगों ने वो नहीं समझा है कोई बात नहीं मैं आज बता दूंगा क्योंकि पहले हमने इसके बहुत शुरू में डिस्कस किया था जब फार्म बिल्स का इशू आया था तो आज आई विल गिव यू एन आइडिया अबाउट दी एंट्री नंबर थर्टी थ्री एंड एंट्री नंबर थर्टी फोर ऑफ़ द कंकरेंट लिस्ट एंड सिमिलरली आर्ट एंट्री नंबर फोर्टीन ऑफ द स्टेट लिस्ट की क्या डिफरेंस होता है उसमें एंड उसमें सरकारी कमीशन ने क्या बोला था दैट टेवल ऑल्सो गिव्यू दैट इज एन एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन बियॉन् आर्टिकल तो पहली चीज जो यहाँ पे इन्होंने बोली है कि जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया है उसको लेके किसान लोग ज्यादा खुश नहीं है क्योंकि उसमें कमेटी फॉर्म करने की बात की गई है और कमेटी में जो मेंबर हैं उसमें बोल रहे हैं कि वो प्रो गवर्नमेंट है जो सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बनाई है उनको ऐसा बोला जा रहा है कि वो प्रो गवर्नमेंट है और उन्होंने हमेशा से फार्म बिल को जो है सिर्फ सपोर्ट किया है सो द फार्मर्स आर एडमेंट कि उन्हें पूरा का पूरा बिल रिपील करवाना है उन्हें बिल से अमेंडमेंट से कोई मतलब नहीं ना ही उन्हें बिल के कमिटी से कोई मतलब है दे आर लाइक कि हमें पूरा बिल रिपील करवा ठीक है तो फार्म बिल के पे भाई सही एग्जैक्टली सर अब आपने सही बोला कि मैंने फार्म बिल के ऊपर दो दो स्पेशल क्लासेस लिए हैं जहाँ पे मैंने इस मुद्दे को बहुत डिटेल में चर्चा की है और मतलब इसकी जितने भी इश्यूज हैं वैलिडिटी है कंसर्न्स है सब डिस्कस किए फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशनल एंगल एंड कोर्ट क्या कॉगडिजन ले सकती है तो मैंने आप लोगों अगर आपको याद हो स्पेशल क्लास में एक इंपॉर्टेंट चीज़ बताई थी कि जब ये कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी कोर्ट में चैलेंज होगी जो कि हुई सुप्रीम कोर्ट में तो सुप्रीम कोर्ट ने अभी पूरा जजमेंट नहीं दिया उन्होंने बस ये बोला है कि हम इंप्लीमेंटेशन पर रोक लगा रहे हैं अभी हम इसके साथ कुछ कर नहीं रहे ना ही इसको वापस भेज रहे ना ही हम इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल कर रहे हैं तो अभी इसको अल्ट्रा वायर्स नहीं करा जा रहा है दैट इज माई मतलब अगर इसको हम बोले कि हमने इसको अभी स्ट्रक डाउन नहीं किया है अभी एक अपरचुनिटी दी है सरकार को कि वो खुद वापस ले ले बिल को या फिर उसको अमेंड करके चेंजेस ले आए तो इसमें इशू सबसे बड़ा अगर आपको याद होगा हमने बोला था कि ये प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो नहीं किया इसने पार्लियामेंट का ठीक है जो प्रॉपर प्रोसीडिंग्स होती हैं पार्लियामेंट की वो फॉलो की नहीं है क्योंकि राज्यसभा में डिविजन ऑफ वोट्स मांगा गया था आपको याद होगा जो कि नहीं दिया गया बाई द चेयर डिविजन ऑफ वोट्स नहीं दिया गया जिसकी वजह से पता नहीं चला कितने लोग फेवर में है कितने लोग अगेंस्ट में है दोज इन फेवर में से आए दोज इन अगेंस्ट में सो so नो no, तो पता नहीं चला बट क्योंकि वॉइस वोट से मान लिया गया और वॉइस वोट में पता नहीं चलता एक्चुअली में कितने लोग फेवर में और कितने लोग अगेंस्ट में सो दैट वॉज समथिंग दैट वॉज कंसर्निंग रिगार्डिंग द बिल तो पहली चीज़ जो इन्होंने यहाँ पे बोली है कि जो आर्टिकल में यहाँ पे इन्होंने मैंशन किया है कि वॉइस वोट इज नेवर अ गुड क्राइटेरिया ऑफ डिसाइडिंग वेदर अ बिल हैज बिन सक्सेसफुली पास ड नॉट ये इसको इतना अच्छा नहीं माना जाता पॉइंट ये है तो यहां पे इन्होंने तीन चार आर्टिकल्स जो आपके जो जो कॉन्स्टिट्यूशन के वायलेट हो रहे हैं उसके बारे में इन्होंने हाईलाइट करने की कोशिश की है तो लेट्स सी आर्टिकल्स आर्टिकल्स आर आर यू नो दैट वायलेटेड एज पर तो पहली चीज उन्होंने बोली कि एक तो रूल्स के अकॉर्डिंग नहीं है क्यों नहीं है क्योंकि जब इसको एनैक्ट किया गया एंड वोटिंग uh, जब हुई तो इसमें पता है कि वही जो मैंने आपको बताया कि इट वॉज uh, सब जो डिप्टी चेयरमैन थे राज्यसभा के उन्होंने uh, इसको वॉइस वोट से पास करा दिया और सबसे बड़ी बात क्या है कि आर्टिकल हंड्रेड बोलता है दैट ऑल क्वेश्चन ऑन एनी सिटिंग ऑन एरियर ऑफ द हाउस शाल बी डिटरमाइंड बाय अ मेजोरिटी ऑफ द वोट्स द प्रेजेंट एंड वोटिंग अब मेजोरिटी जब तक आप डिविजन ऑफ वोट्स नहीं कराओगे जब तक बटन नहीं दबाओगे तो पता नहीं चलेगा जब तक आप बटन नहीं दबाओगे तब तक पता नहीं चलेगा और वॉइस वोट कोई गारंटी नहीं होती क्योंकि जनरली क्या होता है कि अगर एक भी मेंबर दिस इज द मोस्ट क्रिटिकल पॉइंट कि इवन इफ वन मेंबर सेज दैट आई वांट डिवीजन द हाउस चेयरमैन हैज टू अग्री टू इट अगर एक भी मेंबर ने बोला कि मेरे को डिवीजन ऑफ वोट चाहिए इसमें कोई मेजॉरिटी ऑफ मेंबर की बात ही नहीं है इवन इफ वन मेंबर ऑफ द हाउस एक भी मेंबर ने सदस्य ने बोला उस संसद के या सब जो सभा के लोकसभा या राज्यसभा के कि मुझे डिवीजन ऑफ वोट चाहिए तो डिवीजन ऑफ वोट देना पड़ेगा यहाँ पे तो आधे ज्यादा लोग चिल्ला रहे थे तब भी डिविजन ऑफ वोट नहीं दिया गया तो पहला जो प्रॉब्लम है वो यहाँ से उठता है कि प्रोसीजर फॉलो नहीं किया गया ढंग से हाउस का अब इसमें एक कैच है कैच इसमें यह है कि आर्टिकल 122 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बोलता है कि जो प्रोसीडिंग्स ऑफ द हाउस है उस उसमें जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता और ये कोर्ट्स ने भी एक्सेप्ट किया है कि जो भी जुडिशियल रिव्यू होता है वो प्रोसीडिंग्स जो हाउस के अंदर हो रहा होता है पार्लियामेंट चैप्टर में आप पढ़ोगे कि जो प्रोसीजर्स होते हैं हाउस के अंदर उसको आप कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते हाउ एक बहुत फेमस केस था उस केस में रामपाल केस है उसमें यह चीज बोली सुप्रीम कोर्ट ने कि प्रोसीजर चैलेंज नहीं कर सकते लेकिन अगर जो प्रोसीडिंग्स एक चीज जो चैलेंज कर सकती है कि प्रोसीडिंग्स ने कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो नहीं किया अगर प्रोसीडिंग्स इज इज एन वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन देन दैट कैन बी चैलेंज इन द सुप्रीम कोर्ट ठीक है वो सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हो सकती है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है एग्जाम uh, के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको समझने के लिए और वैसे भी इन जनरल कि वैसे अगर आप देखोगे आर्टिकल 122 बोलता है कि द जुडिशियल रिव्यू इज नॉट एप्लीकेबल ऑन दाउस प्रोसीडिंग्स हाउस प्रोसीडिंग्स के ऊपर नहीं हो सकती बट उसी में अगर सुप्रीम uh, कोर्ट की बात देखें तो सुप्रीम कोर्ट ने क्लैरिफाई किया है कि इट कैन बी चैलेंज ऑन सब्सटैंडिव ग्राउंड लाइक वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन देर फॉर द फार्म बिल्स पास इन राज्यसभा इन वायलेशन ऑफ आर्टिकल हंड्रेड क्यों वायलेशन है आर्टिकल हंड्रेड का बिकॉज आर्टिकल हंड्रेड बोलता है कि जो कोई भी बिल पास होगा वो मेजोरिटी ऑफ मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग होगा और मेजोरिटी रिकॉर्ड कैसे होती है डिवीजन ऑफ वोट से होती है बट ये कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा हो कि डिवीजन ऑफ वोट्स होगा या वॉइस वोट होगा जनरली इट इज वॉइस वोट वॉइस वोट लाया इसलिए गया था ताकि एक कन्वीनियंस हो जाए और जल्दी पास हो जाए अगर ये लगता है कि भाई हाउस में मेजोरिटी तो है ही किसी सरकार की बट राज्यसभा में मेजोरिटी नहीं है पॉइंट हमारा इंपॉर्टेंट ये है कि राज्यसभा में मेजोरिटी नहीं है सरकार की लोकसभा में वॉइस वोट जनरली मान लिया जाता है बिकॉज दे हैव द मेजोरिटी इन लोकसभा तो सरकार में तो ये वॉइस वोट का सिस्टम जो है वो ईज ऑफ कन्वीनियंस के लिए लाया गया था कॉन्स्टिट्यूशन में ही लिखा हुआ कि वॉइस वोट कराना डिविजन वोट कराना सारे ये सारे प्रोसीजर्स हैं बट ये इंपॉर्टेंट बात है कि अगर एक भी मेंबर ने बोल दिया कि मुझे डिविजन ऑफ वोट चाहिए तो आपको बटन वाली वोटिंग करानी पड़ेगी डिविजन का मतलब होता है कि आपको बटन वाली वोटिंग करानी पड़ेगी उसके बिना कुछ अलाउड नहीं है बट यहाँ पे वो चीज़ फॉलो नहीं हुई सो फर्स्ट इट इज अ वायलेशन ऑफ आर्टिकल हंड्रेड तो पहली चीज तो ये दूसरा इसमें अगर आप देखोगे जो दूसरा सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि जो इन्होंने रेस किया है कि एक तो ये हंड्रेड वाला वायलेशन है दूसरा इंटरफेरेंस जो है वो आर्टिकल हंड्रेड एंड सेवन का है द कोर्ट कैन स्ट्राइक डाउन द होल लॉज एज रिक्वायरमेंट ऑफ द आर्टिकल एंड सेवन हैज नॉट बीन फुलफिल्ड द आर्टिकल सेज दैट अ बिल शैल नॉट टू बी टू हैव बीन बीन पास्ड अनलेस इट हैज डी पास है हाउस as has been explained above the bills have not in fact passed by rajya sabha because the majority had not been determined in accordance with article 107 to ab ye kya bol raha hai ki 107 article bolta hai ki aapka koi bhi bill tab pass mana jayega agar wo lok sabha aur rajya sabha dono mein pass ho jaye but on technical grounds Article 100 वायलेट हो रहा है क्योंकि राज्यसभा में इसको पास नहीं माना जाएगा because division of votes नहीं हुए ठीक है division of votes नहीं हुए क्योंकि आर्टिकल हंड्रेड बोलता है कि मेंबर्स प्रेजेंट नहीं हो रहा आएगी और क्योंकि में नहीं है, तो ये बिल भी पास नहीं माना जाएगा दिस बिल विल ऑल्सो बी नॉट कंसिडर्ड एज पास बिकॉज आर्टिकल हंड्रेड एंड सेवन फिर वायलेट हो रहा है सो हंड्रेड इनेबल्स हंड्रेड एंड सेवन हंड्रेड ये बोलता है कि बिल पास करने के लिए आपका मेजोरिटी चाहिए और किसी भी बिल को प्रेसिडेंट के पास जाने से पहले 107 बोलता है कि वो लोकसभा एंड राज्यसभा को पास करना पड़ेगा नॉ दैट इज अ वेरी गुड इंटरलिंकिंग पॉइंट वोट हैज हाईलाइटेड ये बहुत अच्छा पॉइंट है कि उन्होंने लिंक कराया हंड्रेड को हंड्रेड से और अब ये हमने इसके बारे में बात भी की थी कि अगर डिवीजन ऑफ वोट्स नहीं प्रॉपरली फॉलो किया गया तो दैट इज अ क्वेश्चन ऑन दी पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी ऑफ इंडिया ये स्पेशल क्लासेस में हमने डिस्कस किया था सेम चीज उन्होंने यहाँ पे हाईलाइट की है और सुप्रीम कोर्ट ने भी इसी चीज का कॉगनाइजेस दिया दो सुप्रीम कोर्ट ने इसके बारे में अभी कुछ बोला नहीं है second just a second just a second just a second थिंक नाउ इट्स फाइन वो क्या होता है फैन ना ये इस स्ट्रीमिंग सॉफ्टवेयर में क्या होता है ये कभी कभी क्या होता है ये एक्स्ट्रा हीटअप हो जाता है तो एक्स्ट्रा हीटअप हो जाता है तो उस वजह से दिसक्रिएट्स एन इशू <laughs> तो देखो इंडिया का सबसे बढ़िया सिस्टम क्या होता है इंडिया का सबसे सही इलाज होता है कि इंडिया में टीवी ना चले छटैक लैपटॉप ना चले छटैक ठीक है एक थप्पड़ हो जाता सब में इसलिए माँ बाप बचपन में छटैक बच्चा काम ना करे एक तमाचा लगा दो तो सब सही हो जाता है बच्चे भी सुधर जाते हैं टीवी भी सुधर जाता है लैपटॉप भी सुधर जाता है तो सबसे सही चीज होती है कि एक चटैक लगा दो आप सो द सॉफ्टवेयर इज काइंड ऑफ हैवी जो स्ट्रीमिंग होती है ना इससे इस, इस वजह से क्या होता है कभी कभी द फैन टू हीट अप और एक्चुअली नीचे हीटर चल रहा है तो उसके डबल डबल हीटअप हो रहा है एनी वे सो द आर्टिकल सेज कि 100 जो है वायलेट हो रहा है और हंड्रेड एंड सेवन भी वायलेट हो रहा है तो ये कॉन्स्टिट्यूशनलिटी ऑफ पार्लियामेंट्री प्रोसीजर्स का वायलेशन तो है ही बट प्रोसीजरल मैटर्स को क्योंकि कोर्ट में हम डिस्कस नहीं कर सकते तो इसलिए कॉन्स्टिट्यूशनल वायलेशन के बेसिस पे तो हम इसको चैलेंज कर सकते हैं और इसी बेस पे चैलेंज हुआ है नाउ देर आर टू ऑप्शन बेसिकली पहली चीज ये है कि कोर्ट में ऑल्सो द प्रोसीडिंग्स ऑफ राज्यसभा एंड सेंड द थ्री एक्ट्स बैक टू द हाउस फॉर फर्दर प्रोसीडिंग्स अकॉर्डिंग द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन तो या तो पहला ऑप्शन ये होगा कि वो वापस भेज देगी सुप्रीम कोर्ट बोलेगी कि वापस ले जाओ राज्यसभा में इसको फिर से पास कराओ और दूसरा क्या है कि वो बोल दे कि भाई सेलेक्ट कमेटी को आप इसको रेफर कर दो सो दैट इस पर ढंग से डिलीबेशन हो सके डिस्कशन हो सके आई थिंक दैट विल बी अ गुड पॉइंट ताकि फार्मर्स को और बाकी कम्युनिटीज़ को बुलाया जा सके और डिसाइड किया जा सके कि कौन कौन मेजर स्टेक होल्डर्स हैं और क्या क्या चीजें हम इसमें सही कर सकते हैं तो बेसिकली ये है और दूसरा क्या है कि अगर सरकार अग्री करती है कि हम इसको पुल बैक कर रहे हैं तो गवर्नमेंट यू नो माइट वांट टू डिलीबरेट दैमसेल्व कि वो इसको प्रॉपर अमेंडमेंट के साथ एक नया बिल लेके आए तो दो ऑप्शन है या तो सुप्रीम कोर्ट वापस भेज दे बोले कि फिर से पास करो राज्यसभा में प्रोसीजर फॉलो नहीं हुआ राज्यसभा में डिवीजन ऑफ वोट्स कराओ आप ठीक है एक सेकेंड बहुत दिनों बाद इशू हुआ ये Hey. Guys, एक सेकंड जस्ट एक सेकंड थिंक थोड़ा आज प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है एक सेकंड सॉरी गाइज आवाज आ रही सब लोग को दिखाई दे रहा है एक बार फटाफट से बता दो uh, I think इसका फैन में थोड़ा कुछ इशू हो रहा है so के ऊपर ही रखा है उसको वो थोड़ा अप हो रहा था तो अभी उसको मैंने शिफ्ट कर दिया थोड़ा सो so फैन के साथ कभी कभी इशू हो जाता है आई थिंक इट्स वर्किंग फाइन नाउ इज इट गुड चलो ठीक है तो अब ये क्या है या तो दो ऑप्शन है या तो सरकार वापस ले ले या फिर सुप्रीम कोर्ट वापस भेज देगा नाउ इंपॉर्टेंट पॉइंट अबाउट एक्स्ट्रा पॉइंट शेड्यूल में आप देखोगे तीन लिस्ट होती है स्टेट लिस्ट एक होती है होती है state list एक होती है, concurrent list होती है आपकी union list. तो इन तीन में union list में central government power है, state list में स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर है कंकरेंट लिस्ट में दोनों के पास पावर है कि वो किसी पे लॉ बना सकते हैं अब प्रॉब्लम क्या है कि टेक्निकली जो एग्रीकल्चर है वो आपका स्टेट लिस्ट में आर्टिकल जो है एंट्री नंबर है एंट्री नंबर में आता है 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 ये ठीक जो स्टेट लिस्ट लेकिन वहीं पे सेंट्रल गवर्नमेंट के पास एक लूपोल मिल जाता है अंडर एंट्री थर्टी थ्री एंड एंट्री नंबर थर्टी फोर एंट्री थर्टी थ्री बोलता है दैट जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो ट्रेड मैटर्स में इंटरफेयर कर सकती है और ये क्या है इट यू नो इट लिमिट्स द पावर ऑफ स्टेट्स इन एग्रीकल्चर लिमिटर द सेंटर बाय स्टेटिंग बोथ दैट द स्टेट एंड द यूनियन गवर्नमेंट कैन लेजिलेट प्रोसीडिंग्स रिगार्डिंग लेस्लेट रिगार्डिंग प्रोडक्शन ट्रेड सप्लाई एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ रेंज ऑफ फूड्स ऑफ एंड एग्रीकल्चर रॉ मेटीरियल सो टेक्निकली एंट्री थर्टी थ्री सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर देता है इंटरवीन करने के लिए एग्रीकल्चरल मैटर्स में और सरकारी कमीशन ने इसके लिए पॉइंट आउट भी किया हुआ है दैट ये एंट्री नंबर थर्टी थ्री जो है ये कई बार मिस यूज़ किया गया और उसको यूज करके सेंट्रल गवर्नमेंट ने एसेंशल कमोडिटीज एक्ट को इन्फोर्स किया है एंड यह ट्वेंटी ट्वेंटी टू में भी इसी को यूज किया गया है तो सरकारी कमीशन वॉज नॉट एक्चुअली इन फेवर ऑफ दिस उसके बाद अगर आप देखोगे एंट्री नंबर थर्टी फोर प्राइस कंट्रोल करने की पावर देता है सेंट्रल गवर्नमेंट को इन एग्रीकल्चर रिलेटेड एंड फूड प्रोडक्ट्स सो गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु हैड दैट एंट्री नंबर एंड इन द कंकरेंट लिस्ट अ डैमेजिंग इंपैक्ट ऑन स्टेट इकॉमी इन द फर ऑफ एग्रीकल्चर इन इट्स मेमोरेंडम टू द सरकारी कमीशन सिमिलरली वेस्ट बंगाल की जो लेफ्टिस्ट गवर्नमेंट थी जिसको ज्योति बासु लीड करते थे हैड गॉन इवन फर्दर इन डिमांडिंग इट्स को डिलीट कर देना चाहिए से। तो जो पावर है वो, 33, 34, में इस बार का जो क्वेश्चन आया वो इस है ये जो मेन्स का क्वेश्चन आया है जो हमने स्पेशल क्लास में भी इसके बारे में डिस्कस किया था इस बार का यूपीएससी मेन्स का क्वेश्चन जो फार्म बिल पे आया है फार्मर्स इश्यू को लेकर आया है वो इसी जगह से आया है कि कैसे स्टेट uh, की जो पावर इरोड होती है बाई सेंट्रल गवर्नमेंट तो इस चीज का ध्यान रखेंगे तो ये दो इंपॉर्टेंट चीजें तो टेक्निकली दिस वॉज द आर्टिकल ये पूरा आपका नोट्स के फॉर्मेट में दे दिया है जिसको आप अपने हिसाब से नोट डाउन कर सकते हो वट एवर द आर्टिकल्स दैट वी टॉक्ट अबाउट हंड्रेड एंड ट्वेंटी टू हंड्रेड एंड हंड्रेड एंड सेवन ऑल ऑफ हैव बीन मैं दो दैट आप लोग उसका नोट बना के इसको अपने नोट्स में इंकॉपरेट कर सकें नेक्स्ट एक आर्टिकल फाइनेंशियल एक्सप्रेस में आया है आज दिस इज रिगार्डिंग इंक्लूजन ऑफ पल्सेज अंडर पी इन्होंने पल्सेस को बोला है कि पल्सेस को आपके पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में इंक्लूड करना चाहिए आपको याद होगा पल्सेस पहले तो आपकी एमएसपी सिस्टम के अंदर भी नहीं आती थी बट सेंट्रल गवर्नमेंट ने फाइनली इसको मिनिमम सपोर्ट प्राइसेस के अंदर इसको इंक्लूड किया बाद में और इसका जो नेफेड है वो प्रोक्योरमेंट करता है तो जनरली फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया आप देखोगे बाकी सबके लिए करता है नेफेड इज फॉर पल्सेज तो पी के अंदर इसको लाने की बात की गई है और कि क्योंकि अभी भी अगर आप देखोगे नाफेड का जो स्टॉक होता है वो यूज़ किया जाता है आई सी एंड मिड डे मील स्कीम के लिए जो बच्चों को मिड डे मील स्कीम मिलती है स्कूल्स में प्राइमरी स्कूल्स में वहाँ पर पल्सेस का प्रोविजन डाला गया है तो मिड डे मील और बाकी सब जगह जो है नाफेड अभी भी अपने स्टॉक से देता है तो इसमें उन्होंने बोला कि एम अनाउंस करने से कुछ नहीं होगा बिकॉज आप अनाउंस तो कर देते होम एस बट टेक्निकली होता क्या है अनाउंस करने से सारी की सारी पल्सेस का प्रोक्योरमेंट नहीं होता है सो दैट इज वाई एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल है जिसमें उन्होंने बोला दैट द गवर्नमेंट शुड थिंक अबाउट इंक्लूडिंग अंडर द पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम और लोगों को देने की जरूरत है क्योंकि ये मेन कॉम्पोनेंट है प्रोटीन का ठीक है मेन कॉम्पोनेंट है प्रोटीन का एनी anyway, वे आज लगता है थोड़ा ये लैपटॉप को सुधारना पड़ेगा इसकी क्लीनिंग करनी पड़ेगी आज निकाल के मुझे लगता है आज मकर संक्रांति के दिन इसकी भी सफाई का दिन है एनी anyway, वे सो so, जनरली आप देखोगे दो डिफिशियंट मानसून सीजन थे 2014-16 में एंड फॉल इन द प्रोडक्शन ऑफ पल्सेस हुआ लगभग 16.32 मिलियन टन अब पल्सेस के साथ प्रॉब्लम क्या है इंडिया में कि वी आर द लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ पल्सेस इन द वर्ल्ड और प्रोडक्शन भी सबसे ज्यादा वर्ल्ड में हमारे यहां पे होता है तो हमारे यहाँ डिफिशेंसी रहती है हमेशा पल्सेस पुल, पुल, को लेकर हमें तीन से चार मिलियन टन हमेशा इंपोर्ट करना पड़ता है जिसमें सबसे फेमस क्या है तुर और हरहर दाल जिसकी प्राइसेस बढ़ गई लगभग दो सौ तक पहुंच गई चना मूंग एंड उरल दाल ऑल्सो सो इन प्राइस So, अभी प्रॉब्लम क्यों क्योंकि देर इज एन इंक्रीज इन डिमांड एंड सप्लाई में गैप है प्रोडक्शन हमारा होता है लगभग 16-17 मेट्रिक टन डिमांड है हमारी 22 से 23 मेट्रिक टन तीन से चार मेट्रिक टन हमें इंपोर्ट करना पड़ता है अफ्रीकन कंट्रीज से और तो इसलिए और भी ज्यादा बेनिफिशियल क्योंकि इतनी डिमांड है इंडिया में सो हमारे यहाँ पे फार्मर्स को बल्कि बोलना चाहिए कि दे शुड उसको हम ढंग से प्रक्योर करेंगे ठीक है तो गवर्नमेंट की पॉलिसी देखोगे तो उन्होंने, उन्होंने इंक्रीज भी किया है सो इंपोर्ट इंक्रीज बाई एम एम टीसी एन एस टीसी विद मोजामबी लगभग पांच साल तक मोजाम्बी के साथ हमने

पल्सेस से आप जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है कि पल्सेस में एक दिक्कत यह भी होती है कि अगर आप इसको रख लो तो ये भी सड़ने लग जाती है चैलेंजेस इज इन द डिस्पोजल इन बाय पेस्ट हो जाएगा सड़ने लग जाएगी फॉर प्रोलॉन्ग स्टोरेज सो एवरेज प्राइस रिकवरी अगर आप देखोगे ओपन मार्केट सिस्टम में लेस देन द एम तो एम एस पहली बात तो प्रोक्योरमेंट होता नहीं है और अच्छा ओपन मार्केट मंडीज में सेम इशू है कि मंडी में सेम जिस प्राइस पे फार्मर्स को मिलना चाहिए उस प्राइस में मिलता नहीं है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इन्होंने बोला है कि भाई आप एक काम करो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना है uh, उसके अलावा आप जो बाकी स्कीम्स है उसके अंदर एक काम करो पल्स को भी देना चालू कर दो थोड़ी बहुत मिल रही थी बट उसको उन्होंने बोला कि आप वाइड स्केल पे करो बट इतना ध्यान रखना कि इससे मार्केट प्राइसेस डिस्टेबिलाईज ना हो क्योंकि अभी भी नॉर्मली भी इंडिया में दाल की डिमांड बहुत ज्यादा रहती है तो अगर हम सिर्फ इसमें बांटने लग जाएंगे बिल्कुल ही तो मार्केट से भी डिस्टेबिलाई हो जाएगा सो so, मार्केट को भी हमने डिस्टेबिलाई नहीं करना है सो so, उसके अलावा नेफेड का अगर आप देखोगे बफर स्टॉक से, नेशनल सिक्योरिटी टू तो मासेस के लिए प्रोवाइड करना जरूरी है एंड अगर आप देखोगे जो स्कूल में जो मिड डे मील स्कीम है आईसीडीएस न्यूट्रिशन सपोर्ट है फूड स्टॉक फॉर आर्मी एंड सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेज उन सब में आपकी पल्सिस दी जाती हैं और इसमें और इसको बढ़ाने की जरूरत है तो टेक्निकली द आर्टिकल बॉज की

तो ये दो एडिटोरियल थे बाकी हम लोग फटाफट जो इम्पोर्टेंट न्यूज है और डिफरेंट uh, डिफरेंट आपके जो नेशनल इंटरनेशनल इकोमी इन्वायरमेंट न्यूज है उनको डिस्कस करेंगे तो गवर्नमेंट ने लॉन्च किया डेही गवर्मेंट ने फिफ्थ सीरोलॉजिकल सर्वे आपको बताओगे सीरो सर्वे हो रहा है जब से कोविड आया है और ये लार्जेस्ट सर्वे है डन बाय द गवर्मेंट इन टर्म्स ऑफ सैंपल साइज जिसमें अगर आप देखोगे अट्ठाईस हजार लोगों का सर्वे लिया जाएगा सैंपल कलेक्ट किया जाएगा द आइडिया इज टू नो कितने लोगों को कोविड हुआ है और कितने लोग रिकवर कर गए हैं और बेसिकली सीरोलॉजिकल सर्वे में पता चलता है एक्चुअली में कि अगर आप एसिम्टमेटिक थे या सिम्टमेटिक थे कि आपको एक्चुअली में हुआ है कि नहीं हुआ है कोविड सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इंडिकेटर तो फर्स्ट सर्वे जब हुआ था उसमें ट्वेंटी थ्री पॉइंट फोर परसेंट लोग आए थे जिनके पास एंटीबॉडीज दिखी थी और अगस्ट में हुआ तो ट्वेंटी नाइन हो गया सेप्टेम्बर में लगभग ट्वेंटी फाइव पॉइंट फाइव परसेंट था अक्टूबर में तो ये ब्लड सैंपल इसमें कनेक्ट जो है कलेक्ट किए जाते हैं एंड द एंटीबॉडी टेस्टिंग इज डन तो पॉजिटिव रिजल्ट इंप्लाई करता है कि ये लोग कोविड से इन्फेक्ट हुए तो उनकी बॉडी एंटीबॉडी बनाने लग गई है तो बेसिकली हर्ड इम्यूनिटी का है कि क्या दिल्ली वालों को हर्ड इम्यूनिटी होगी कि नहीं होगी उसके बारे में ये चीज जो है कंडक्ट किया जाता है नेक्स्ट इज एक्शन प्लान टू टेररिज्म तो मिनिस्टर डॉ जयशंकर ने रिसेंटली काउंसिल में एक ओपन डिबेट हुआ था उसमें ज इंडिया इज अ नॉन परमानेंट मेंबर फॉर टू ईयर टर्म 2021 से चालू किया है उन्होंने आठ पॉइंट का एक्शन प्लान सजेस्ट किया कॉम्बैट कि करने की जरूरत है सो द कंट्री शुड नॉट ब्रिंग इन डल स्टैंडर्स इन द बेटल फॉर एनसर कंट्रीज दट सपोर्ट टेररिज्म बाई ऑफरिंग फाइनेंशियल सपोर्ट लाइक पाकिस्तान तो एफ को इनका स्ट्रॉन्ग ऑर्गनाइजेशन लेने की जरूरत है सिमिलरली वर्किंग मेथड ऑफ कम्यूटीज डी विद काउंटर टेररिज्म शड भी रिफॉर्म एंड द लिंकेज बिटवी ट्रांस नेशनल ऑर्गनाइज क्राइम एंड टेरिज्म शड बी एड्रस्ट मल्टीपल कंट्रीज में क्राइम के जाते हैं होता क्राइम कहीं और है पैसा कहीं और से आता है फंडिंग कहीं और से आती है क्रिमिनल कहीं और बैठा होता है तो ऐसे क्राइम को कॉम्बैट करना बहुत जरूरी ट्रांस नेशनल क्राइम सिमिलरली एफ ए टी एफ शुड कंटिन्यू टू आइडेंटिफाई द वीकनेसेज एंड एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एंड काउंटर टेररिज्म फाइनेंसिंग फ्रेमवर्क एंड एडिक्वेट फंडिंग शुड बी एलोकेटेड टू द यू एन काउंटर टेररिज्म बॉडीज ऑल्सो एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है कि यू एन की यू एन में अगर आप देखोगे तो यू एन की बॉडीज जो हैं उनको फंडिंग नहीं मिलती टाइम पर और पैसे उतने मिलते नहीं जो मिलने चाहिए उसके अलावा कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी अगर आप देखोगे उन्होंने अप्रूव किया है 83 तेजस फाइटर एयरक्राफ्ट फॉर <coughs> तो यूनियन कैबिनेट ने जो जिसको <coughs> जिसके चेयरमैन प्रधानमंत्री जी हैं उन्होंने अप्रूवल दिया फॉर परचेज ऑफ 10 ट्रेनर एयरक्राफ्ट एंड एटी तेजस लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट टू एट द प्राइस ऑफ तो ये तेजस आपको पता है इंडिजिनस डेवलप्ड फाइटर एयरक्राफ्ट है एंड uh, ये जो डील है विल बी अ गेम चेंजर फॉर सेफंस इट विल हेल्प इन क्रिएटिंग न्यू जॉब अपॉर्चुनिटीज तो तेजस एम के वन मेक वन लाइट एक कॉम्बेट एयरक्राफ्ट जो है इज इंडिजनसली डेवलप्ड मोस्टली पूरा का पूरा आप देखो कि मैक्सिमम जो कॉम्पोनेंट uh, लगा हुआ है वो आपका इंडिया का ही इसमें सो इट ऑलसो द फर्स्ट बाई इंडिजनस डेवलप डिजाइन एंड डेवलप मैनुफेक्चर कैटेगरी प्रोक्योरमेंट ऑफ कॉम्बैट एयरक्राफ्ट एज पर दफिशियल इसका इंडिजनस कॉम्पोनेंट लगभग फिफ्टी परसेंट है दैट विल भी रीचिंग टू सिक्सटी परसेंट एट दफ दोग्राम तो लगभग सिक्सटी टू सिक्सटी फाइव परसेंट जो है इसमें जो चीजें यूज की गई वो इंडिया से ही प्रोक्योर की गई देन इंडिया और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने एक साइन किया है फॉर साइंटिफिक एंड टेक्निकल कोऑपरेशन तो ये बेसिकली फॉर नॉलेज शेयरिंग बिटवीन द कंट्रीज इट्स ऑल्सो टू शेयर नॉलेज ऑफ ऑपरेशनल प्रोडक्ट्स फॉर ओशनिक सर्विसेज टू एक्सचेंज एक्सपीरियंस इन टर्म्स ऑफ स्कॉलर साइंटिस्ट स्पेशलिस्ट टू एक्सचेंज टेक्निकल एंड साइंटिफिक इन्फॉर्मेशन एंड ये इस पर जो है कोऑपरेशन इज आल्सो ऑन द सुनामी अर्ली वार्निंग सेंटर डिजाइन टू सपोर्ट सुनामी फॉरकास्टिंग ऑपरेशन तो ये भी आपकी जो है ये आ, आपकी इम्पॉर्टेंट है जो आप मतलब यू के साथ देखो कि कंटिन्यूसली ना वेस्टर्न एशियन कंट्री का स्पेशली इंडिया का जो कोऑपरेशन है इट इस मच बियॉन्ड ऑयल एनर्जी तो हमारा ऑयल एंड एनर्जी पर जो पहले फोकस हो था कि भाई ये जो अरब कंट्रीज इनके पास तेल बहुत है ये एनर्जी रिसोर्सेज रिच बहुत कंट्री हैं तो वो कोऑपरेशन अब एंटी टेरर एक्टिविटीज़ को लेके हो गया है कॉम्बैटिंग टेरर को लेके फाइनेंस मनी लॉन्ड्रिंग को लेके हो गया है साइंटिफिक कोऑपरेशन हो गया इनफैक्ट इसरो इज हेल्पिंग दैम यू को अभी उनका रिसेंट होप मिशन गया था तो साइंटिफिक कोऑपरेशन बहुत ज्यादा हो रहा है बाकी कंट्रीज में वी आर लुकिंग मच मोर बियॉन्ड द ट्रेडिशनल जो आप कह सकते हो uh, चीज़ों को जैसे कि जस्ट यू नो अ डील ऑफ ट्रेड ऑन या तो ट्रेड इश्यूज हो या फिर मोस्टली ऑन ऑयल एंड एनर्जी नेक्स्ट इज पब्लिकेशन ऑफ नोटिस ऑफ मैरिज इज नॉट मैंडेटरी तो ये एक बेसिकली एक इसको लेके कोर्ट में जजमेंट आया है सो ये इशू है दैट द कॉर्ट टू नोट ऑफ द पर्सनल एक्सपीरियंस रिनेटेड बाई द कपल हुआ एक्सप्रेस दैट दे कु डेज नोटिस टू बी पब्लिशेक्शन टू भी इनवाइटेड फॉम द पब्लिक एट लॉज तो इसमें कोर्ट का जजमेंट आया है कि उन्होंने बोला है कि मैंडेट्री नहीं है पब्लिकेशन ऑफ नोटिस जब आप मैरिज रजिस्ट्री ऑफिस जाते हो तो अगर आपका हिंदू मैरिज एक्ट या फिर जो स्पेशल मैरिज एक्ट के अंदर अगर आप शादी कर रहे होते हो तो जो लोग शादी करते हैं उन लोग का नाम ना एक महीने के लिए नोटिस बोर्ड पर लगाया जाता है कि अगर किसी को ऑब्जेक्शन होता है तो वो स्पेशल मैरिज एक्ट के अंदर होता है मोस्टली कि अगर किसी को ऑब्जेक्शन है फैमिली uh, मेबर्स को या किसी को तो वो आके इस पर कंटेस्ट कर सकते हैं तो उसमें कई बार क्या होता है राइट टू प्रिवेसी ऑफ द कपल इज बी वायलेटेड तो इसको लेके क्या है कि इशू उठा तो उस पर कोर्ट का ऑर्डर आया कि इट इज़ नॉट मैंडेटरी टू पब्लिक पब्लिक यू नो करना आपका नोटिस नोटिस लगाना मैंडेटरी नहीं करा गया तो कोर्ट मैरिज को लेके सो द काउंसिल फर्दर सबमिटेड दैट द समिटेड कपल्स नॉट इन अ पोजिशन टू रीच बिफोर दिस दिसमेज एज डिटिकेशन फर्दर अट्रैक्टेड अननेसेसरी अटेंशन टू पुट सोशल प्रेशर सो दिस इज ओनली इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ स्पेशल मैरिज एक्ट जिसमें इंटर फेथ इंटर रिलीजियस मैरेजेज होती हैं हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर नहीं है ठीक है ये आपका हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर नहीं है आपका स्पेशल मैरिज एक्ट के अंदर आता है Then BSF ने लगभग अगर आप देखोगे और किया uh, में I have been to Samba. यहाँ पे मोस्टली मैंने देखा है कि uh, काफी हाई डिप्लॉयमेंट uh, होता है सिक्योरिटी फोर्सेज का इट इज वेरी क्लोज टू द बॉर्डर सो बी एस एफ ट्रू उसने डिटेक्ट किया टनल इन दोबिया एरिया इन सांबा सो so, ये जो आ, बेसिकली जो ओरिजिन है इस टनल का ये पाकिस्तान की तरफ से था तो ऐसी और टनल निकली तो बेसिकली ये जो आपके क्या होते हैं स्मगलर्स होते हैं जो नार्कोटिक स्मगलिंग होती है वो ऐसे ही होती है या फिर जो क्रॉस बॉर्डर जो आपके क्रिमिनल्स होते हैं वो ऐसे ही भागते हैं टनल डिग करके आपने मूवी में देखा होगा बजरंगी भाईजान मूवी तो बेसिकली बजरंगी भाईजान टाइप ही हो गया यहाँ पे टेक्निकली स्पीकिंग अगर एक सेकेंड आप बहुत ज्यादा शुक्रिया कर okay. रहा है इसका इलाज मेरे को लगता है ढूंढ लिया मैंने इसका इलाज यही है कि इसको ह्यूमिडिफायर इसके सामने भी लगा दो सॉरी गाइज फॉर द इनकन्वीनियंस टुडे बट समाइम्स ऐसा होता है कोई नहीं मैंने इसके अगर ह्यूमिडिफायर लगा लिया है अब ये भी ठंडा हो रहा है थोड़ा इसके अगल बगल भी थोड़ा धुएं का एहसास हो रहा है इसको ऐसा लग रहा है स्नोफॉल हो रही है अगल एक साइड से प्रॉब्लम एनीवे anyway, सो अडानी ग्रुप को अडानी ग्रुप विल बी इन्वेस्टिंग इन पोर्ट इन श्रीलंका सो ये जो उनके प्रेसिडेंट है गोताबाई साहब ने बोला है दैट अडानी ग्रुप जो है इन्वेस्ट करने वाला है स्पेशली इन द ईस्ट कंटेनर टर्मिनल सो प्रेजिडेंट राजसिंग द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पोर्ट्स वर्कर यूनियन सो आपको बताऊंगा चाइना का काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस है इन सब रीजन में सो चाइना के बाद अगर इंडिया यहाँ पे जा रहा है तो दैट इज अग डील एंड आई थिंक दिस इज बिकॉज ऑफ डॉक्टर एस जयशंकर जब गए थे विजिट करने के लिए तो एस जयशंकर साहब की विजिट का थोड़ा फायदा हो यहां uh, कि वो चाइना में इन्वेस्ट एक बार ना देखना पड़ेगा मुझे उसके अलावा आपको याद होगा सेक्शन फोर नाइन सेवन ऑफ द अल्ट्री लॉ गाइज आप थोड़ा मैनेज कर लो देर इज एन आई थिंक इसके बाद इसको देखता हूं मैं इस क्लास के बाद सो सेक्शन फोर नाइन सेवन अडल्ट्री लॉ जो है उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल मतलब इलीगल डिक्लेयर कर दिया गया था इसको बोला गया कि ये वायलेशन है आर्टिकल ट्वेंटी वन का एंड आर्टिकल फोर्टीन का स्पेशली जो महिलाएं हैं बट इसमें एक पिटिशन फाइल की गई सुप्रीम कोर्ट में मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से कि ये आर्मी ए, नेवी और एयरफोर्स एक्ट के अंदर इसको नहीं माना जाएगा बिकॉज आपको पता है कि आर्मी एयरफोर्स और पैरामिलिट्री फोर्सेज और नेवी जो है दे आर अ सेपरेट ग्रुप ऑफ सिटीजन उनके लॉज अलग हैं दे आर डिस्टिंक्ट क्लास माना जाता है उनको

सो so, जो 2018 का जजमेंट है उन्होंने बोला है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने कि इसने इनस्टेबिलिटी क्रिएट कर दी है क्योंकि सी आई वेरी फ्रेंकली कई बार क्या होता है कि आर्मी नेवी एंड एयरफोर्स में एवरीबडी इज पोर्सर एल्स तो कई बार ऐसा होता है बिकॉज वी नाउ आर अ मच ओपन सोसाइटी जहाँ पहले हुआ करते थे तो देर हैसेस जहाँ पे यू नो देर पे uh, ऐसे केसेज आए हैं जहाँ पे

स्पेशली आर्मी एयरफोर्स और नेवी के लिए उन्होंने बोला और पैरामिलिट्री फोर्सेस के लिए गवर्नमेंट ने बोला कि इसको नहीं हटा सकते हाँ रुस्तम जैसे रुस्तम मूवी है एग्जैक्टली एग्जैक्टली द केसेस जैसे रुस्तम मूवी थी आपकी अक्षय कुमार वाली वैसा केस है तो उन्होंने बोला कि इसको हम नहीं हटा सकते एंड अगर ऐसा हटाएंगे तो इंस्टेबिलिटी लेके आएगा क्योंकि ये पूरे आर्मी एयरफोर्स और नेवी जो है डिस्टिंग क्लास माना जाता है इनके फंडामेंटल राइट्स रिस्ट्रिक्टेड होते हैं तो इनके और इनके फैमिली मेंबर के भी रिस्ट्रिक्टेड होते हैं सिर्फ इनके ही नहीं इनके फैमिली मेंबर के भी फंडामेंटल राइट आर रिस्ट्रिक्टेड अंडर आर्टिकल थर्टी थ्री इसलिए हम इनको ये नहीं बोल सकते निकला है सो तो सार आई सिकल रिसेंटली क्लैप्स किलिंग फॉर टूरिस्ट इन रशिया सो so यह क्या विलुचुनस की वॉटरफॉल है, है. Uh, इन विंटर इसको सार आई सिकल बोलते हैं रशिया में सिचुएटेड है ये कमचटका पेनसुला में है. ये कमचटका पेरेंसुला कहां पे ईस्ट में फार ईस्ट में रशिया के कमचटका पेरेंसुला नियर जापान आप देखोगे मैप में ऐसा एक बना हुआ है सो so वहां पे ये बहुत ज्यादा ठंड पड़ती है तो वहां पर वाटर जो है फ्रीज कर जाता है तो इट इट इज होम टू मोर देन 160 वोल्केनोस बिकॉज़ वहां पे आपकी ओशनिक प्लेट कन्वर्ज करती है सो ऑफ दिसन आर स्टिल एक्टिव मेनी ऑफ दिस वोल्केनोस आर विद बोल्केशियर सो एज दिस ग्लेशियर्स मेल्ट ड्यूरिंग वार्म वाटर दे दे फॉर्म वाटर फॉल्स वन सच वाटरफॉल अगर आप देखोगे आपका इज की वाटरफॉल्स तो इससे क्या ऐसे स्पाइक बन गए आइस सिकल फ्रीज होने की वजह से अब मेल्ट हो गया और पता चला नीचे टूरिस्ट खड़ा है तो उसके ऊपर भैया टपाक से गिर गया तो लगभग यहाँ पे बेचारे लगभग चार टूरिस्ट मारे गए उनके ऊपर ये आइस गिर गई सोचो आप टूरिज्म करने घूमने गए और वहां पे आपके ऊपर जो ये गिर जाए तो बताओ क्या होगा तो बेसिकली ये हो गया दैट इज अ प्रॉब्लम उसके अलावा आरबीआई ने आप देखो वर्किंग ग्रुप बनाया ऑन डिजिटल लेंडिंग सो इट हैज अ वर्किंग ग्रुप ऑन डिजिटल लेंडिंग इंक्लूडिंग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स एंड मोबाइल ऐप टू स्टडी दी ऑल दी एस्पेक्ट्स ऑफ डिजिटल लर्निंग एक्टिविटीज सो इसके लिए उन्होंने एक बैलेंस अप्रोच बोला है कि नीड्स टू बी फॉलो दैट द रेगुलेटरी फ्रेमवर्क सपोर्ट्स इनोवेशन एंड द वर्किंग ग्रुप ऑफ बोथ द इंटरनल एंड एक्सटर्नल मेंबर्स जो है उसमें इनको इंक्लूड किया गया एक्सटर्नल मेंबर्स में आप देखोगे विक्रम मेहता हैं जो हुई इज फाइंडर ऑफ मोनेक्सो फिनटेक राहुल सासी साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट है तो बेसिकली इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स और आरबीआई के विद इन दी कमिटी बनाई गई है इसको आइडेंटिफाई करने के लिए रिस्क ऑफ डिजिटल लैंडिंग कि उसको और बेटर कैसे कर सकते हैं जयंत कुमार जी क्या बताऊं क्या पूछ रहे हो आप यार ये तो आज बहुत ही ज्यादा क्रिएट कर रहा है इशू एक सेकेंड अभी ठीक है सो so नाउ uh, इंडिया इज नाउ गोइंग टू बी अ ग्लोबल कह सकते हो एक्सपोर्टर ऑफ व्हीट ऑल्सो तो जैसे आपको पता है, अभी तक rice को हमने ओवरटेक किया था थाईलैंड एंड चाइना को आर गोइंग टू बी वन ऑफ लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ व्हीट इन द वर्ल्ड ऑल्सो तो एक सेकेंड, मैं भी ठीक हो गया थोड़ा अभी दो तीन अच्छे वाले पढ़ गए तो अभी थोड़ा ठीक हो गया ये कभी कभी बच्चे नहीं मानते ऐसे लैपटॉप भी नहीं मान रहा था तो इसको भी दो तीन पढ़ गए अभी ठीक हो गया एनी वे सो सो यू एस डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर जो है इट अपसे फोरकास्ट ऑफ इंडियन बीट एक्सपोर्ट टू एट मिलियन टन सो इंडियन बीट इज स्टिल नॉट कॉम्पिटेटिव एट दर्वमेंट एम एम एसपी जो है लगभग नाइनटीन थाउजेंड सेवन फिफ्टी पर टन रुपए के आसपास पड़ता है और एक्सपोर्ट ऑफ वीट ब्रॉट इन बाई गुजरात एट द रेट एडिंग रफली टू हंड्रेड एंड रुपीज ट्वेल्ल हंड्रेड ऑफ क्लीनिंग बैगिंग लोडिंग ट्रांसपोर्ट टू कांद तो पूरा क्या हो जाता है आपका लगभग बीस हजार नौ सौ पचास रुपए पर टन हो जाता है उसके अलावा क्या होता है दस से पंद्रह डॉलर का लगभग पर टन डिस्काउंट मिलता है टू ऑस्ट्रेलियन प्रीमियम वाइट एंड रशियन वीट हैविंग मोर प्रोटीन कॉन्टेंट सो इंडिया के वीट के साथ प्रॉब्लम यह है कि डिमांड तो है बट उतना कॉम्पिटेटिव नहीं है क्योंकि इंडियन वीट का अगर आप देखोगे प्रोटीन कॉन्टेंट इज लेस एज कम्पेयर टू रशियन एंड ऑस्ट्रेलियन बट नेवर द लेस डिमांड बहुत ज्यादा है ग्लोबली स्पेशली ड्यू टू कोविड तो इंडिया इज गोइंग टू बी द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ वीट तो ये ऐसे क्वेश्चन यूपीएससी को बहुत फेमस मतलब बहुत पसंद है लास्ट ईयर क्वेश्चन आया था uh, राइस को लेकर की वर्ल्ड का लार्जस्ट राइस एक्सपोर्टर कौन है दैट इज इंडिया ओवरटेकिंग थाईलैंड एंड चाइना अब वीट को लेकर भी आ सकता है तो ऐसे क्वेश्चन के लिए प्लीज ध्यान रखिएगा आगे से नाउ हाउ दी एम एफ रिस्क रिस्कोमीटर विल वर्क तो एक कभी रिस्कोमीटर बनाया है सेबी ने तो ये आपके सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है तो रिस्कोमीटर क्या काम करेगा कि आपको बताएगा कि अगर आप एक पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करोगे तो कितना रिस्क इन्वॉल्व है सो so ये इसको फिफ्थ ऑफ अक्टूबर ट्वेंटी ट्वेंटी को आपके सेबी ने अनाउंस किया था विच केम इंडेक्ट इन जनवरी वन एंड इट सर्कुलर इशू ऑन अक्टूबर फाइव द रेगुलेटर मेड इट मैंडेटरी फॉर म्यूचुअल फंड हाउसेज टू कैक्टराइज द रिस्क लेवल ऑफ़ द म्यूचुअल फंड मंथली बेसिस पे इवाल्युएट किया जाएगा और इसमें क्या होगा पोर्टफोलियो uh, डिस्कलोजर uh, किया जाएगा कि कितना रिस्क हो सकता है कितना प्राइस फ्लक्चुएट हो सकता है जो भी आप इन्वेस्ट करोगे म्यूचुअल फंड में क्या होता है पूल ऑफ बास्केट ऑफ शेयर आपके होते हैं टेक्निकली जिसमें आपका पोर्टफोलियो मैनेजर क्या करता है एक लिमिटेड सेट ऑफ नंबर ऑफ कंपनीज के शेयर्स में इन्वेस्ट करता है तो उसमें बहुत जरूरी है कि आपको बताना चाहिए कि आप पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो जिस म्यूचुअल फंड में उसमें कितना प्राइस ऊपर नीचे जा सकता है तो उसको लेके ये चीज जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है मीटर लॉन्च किया गया है अक्टूबर में जिसको इंप्लीमेंटेशन स्टार्ट कर दिया गया जनवरी में लास्ट आ, न्यूज है आज की अगर आप देखोगे हुबुरा बस्टर्ड को लेकर ये पाकिस्तान से न्यूज आई है हुबुरा बस्टर्ड इज इज अ क्रिटिकली एंडेंजर्ड बर्ड स्पीशी इट वेरी सिमिलर टू योर ग्रेट इंडियन बस्टर्ड ऑफ इंडिया तो ये टेरेस्ट्रियल बर्ड जो है एशिया मिडिल ईस्ट एंड अफ्रीका में मिलती है न्यूज में क्यों आई क्योंकि साउदी और यूएई के रॉयल प्रिंसेस को बलूचिस्तान में बलूचिस्तान इंपॉर्टेंट जगह बलुचिस्तान में इस बर्ड को हंटिंग करने के लिए पाकिस्तान ने अलाउ कर रखा है ताकि उनके बीच में जो है रिलेशन बने रहें। लेकिन वहाँ के लोग इसको लेकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं क्रिटिकली एंडेंजर्ड है स्प्रिंग सीजन द एशियन बस्टर्स माइग्रेट साउट टू स्पेंड विंटर इन पाकिस्तान एंड द अरेबियन पेन्सुला सो सम एशियन हबूा बस्टर्स लिव एंड ब्रीड इन सदन पार्ट ऑफ द रेंजे इंक्लूडिंग पार्ट ऑफ इरा पाकिस्तान एंड तुर्कमेस्तान अब क्या हुआ फॉर ओवर डेकेट्स पाकिस्तान फॉरेन मिनिस्ट्री ने ऐसे रॉयल प्रिंसेस को बुलाया हुआ है कि आओ हमारे यहाँ हंटिंग करो आप बर्ड्स की फॉर ऐसे फन एसेको हम ग्रेट गेम टाइप बोलते हैं जैसे ग्रेम बिग गेम कंट्री जैसे अफ्रीका यहाँ पे क्या है हंटिंग के परपज के लिए बुलाया जाता है कि इनको आप आओ बलूचिस्तान में हंटिंग करो ताकि जो पाकिस्तान है उनकी डिप्लोमेटिक रिलेशन अच्छे रहे गल्फ नेशन के साथ तो अरब हंटर्स पहले जो पाकिस्तान में आते थे दे टू टू कम अराउंड आफ्टर द द हुबरा पॉपुलेशन अरेबियन उसके बाद पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने भी बैन लगा दिया था इनकी हंटिंग पे 2015 में बट फिर से बैन को लिफ्ट कर दिया गया एक साल बाद और इसमें अरब रॉयल्टी को स्पेशल परमिट के द्वारा अभी भी उनको अलाउ किया हुआ है एक स्पेशल परमिट चाहिए होता है इनको हंट करने के लिए पाकिस्तान में बलूचिस्तान प्रोविंस में इनको लेके जाते हैं तो भाई है ना मतलब क्रिटिकली इंडेंजर्ड है इको में रोल इतना इंपॉर्टेंट है बट क्योंकि उन्हें डिप्लोमेटिक रिलेशन अच्छे बना के रखने हैं किसके साथ अरब नेशन के साथ क्योंकि और कोई तो उनको सपोर्ट करेगा नहीं तो उन्होंने कहा भाई चलो कोई नहीं इनको बर्डी को मारने दो सो दिस इज द हुबरा बस इट वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर एग्जाम स्पेशली प्रिलिम्स एग्जामेशन स्पेसिफिकली प्रिलिम्स एग्जामिनेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो चलिए आज के क्वेश्चन करते हैं फटाफट और आज बस इतना ही था न्यूज़पेपर में कोई ज्यादा खास न्यूज नहीं आई है फटाफट खत्म करेंगे अच्छा दूसरी चीज़ मैं आपको बता दूँ की शाम को जो क्लास होगी टेन पी एम पे जस्ट बिफोर आई यू नो स्टार्ट द क्वेश्चन सो टू नाइट एंड टेन पी एम जो क्वेश्चन होगी uh, जो एम सी क्यू क्लास है उसमें हम लोग कुछ इम्पॉर्टेंट एम सी क्यू के अलावा जो लास्ट तीन चार दिन के हम कुछ इंपॉर्टेंट अपडेटेड करंट अफेयर्स भी पढ़ेंगे जो पी आई बी और राजसभा टी में आया तो वो स्पेशल क्लास है वो रात को दस बजे होगी उसको जरूर ज्वाइन करेगा आप सब लोग जो देख रहे हैं सो दैट स्पेशल क्लास विल हैव अपडेटेड इन्फॉर्मेशन ऑफ पी आई बी एंड राज्यसभा टी वी जो शायद आप लोग का मिस हो गया तो उसके बारे में मैं आप बताऊंगा एंड देर सम इंटरेस्टिंग न्यूज दैट आई विल शेयर विद ऑल ऑफ यू ठीक है तो इसका ध्यान रखिएगा चलिए फटाफट क्वेश्चन करते हैं सो so, साथी जो प्रोग्राम है अलाउ सेल्फ सर्टिफिकेशन ऑफ होटल्स अग्री टू गो विद साथी फ्रेमवर्क इट हैज हैजिन डेवलप्ड बेस्ड ऑन कोविड नाइनटीन गाइडलाइंस और फटाफट जितने लोग क्लास देख रहे हैं जल्दी से लाइक कर दें क्लास को शेयर कर दें अपने अपने हैंडल्स पे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो लाइक करो सब्सक्राइब करो चैनल को जो लोग पहली बार आ रहे हैं और जिनको नहीं पता है इसके पी लेक्चर के नोट्स आपको क्लास के बाद मिल जाएंगे टेलीग्राम चैनल आर्टिकुलेट पे या फिर मेरा चैनल है दीपांशु सिंह ऑफिशियल <coughs>

तो द करेक्ट आंसर इज सी दोनों ही सही हैं सुप्रीम कोर्ट ने जो है स्टे लगा दिया इम्प्लीमेंटेशन पे और बाकी अगर आप देखोगे सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस साहब ने बोला है कि हम कोई जो है इस, इस पर अभी इंप्लीमेंटेशन पे स्टे लगा रहे हैं कोई फाइनल वर्डिक्ट अभी नहीं दिया है तो इसके बारे में हमने खैर डिस्कस किया ही था तो देवी सोचनो आज की क्लास के लिए बस इतना ही पीडीएफ आपको इस टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा दिपांशु सिंह ऑफिशियल इज द चैनल ठीक है ये क्यू आर कोड है इसको स्कैन करें चैनल को सब्सक्राइब करें और आइकॉनिक की प्राइस बढ़ने वाली है पच्चीस जनवरी से फटाफट सब्सक्रिप्शन ले लें उसके पहले बहुत सारे जबरदस्त कोर्सेस लॉन्च हो रहे हैं सब्सक्रिप्शन के लिए यू कैन यूज द कोड डीप वाइट और डीप टू सेवन बारह महीने चौबीस महीने जिस हिसाब से आप प्रिपेयर कर रहे हैं अगर दो के लिए कर रहे हैं तो दो साल का ले सकते हैं ठीक है बाकी कॉम्बैट के लिए पार्टिसिपेट करते रहे नीचे लिंक दिया हुआ है और मैं मिलूंगा आप लोग से शाम को दस बजे स्पेशल क्लास है लेकिन उसके पहले नितिन सिंघानिया पार्ट सिक्स की भी क्लास है जिसको देखना ना भूलें आज हम लोग पेंटिंग के साथ साथ म्यूजिक एंड फेस्टिवल्स को खत्म करेंगे So, आज की इंपॉर्टेंट क्लास है फेस्टिवल्स म्यूजिक एंड पेंटिंग के फाइनल लेक्चर है और नितिन सिंघा की सीरीज आज पूरी कंप्लीट हो जाएगी तो आज शाम छह बजे लिंक दिया हुआ है नीचे आप उसको जरूर ज्वाइन करेगा थैंक यू सो मच हैव अ गुड डे टेक केयर